जहाँ से हम लोग देखते हैं गाड़ी का मिडिल जाता है, उधर से गाड़ी का लेफ्ट व्हील जाता है, तक वो उधर पे सामने कुछ बिल्ली डॉगी आ गया, मेरे को अचानक रुकना पड़ेगा, ठीक है। अचानक देखो, ब्रेक किया मैंने, रुक गया ऐसे, क्या क्या किया मैंने, सिंपल सी बात है, मैंने क्लच को छोड़ा, क्या क्लच को नहीं छोड़ा। जब भी अचानक आप लोगों को रुकना पड़ेगा, याद रखना दोस्तों, ब्रेक लगा के क्लच को पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है। जहाँ पे रास्ता खाली है उधर से इसको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। ये मार्किंग कर दो यहाँ पे 12 का पोजीशन, जब भी ये वाला मार्किंग इसके साथ मैच होगा यानी कि मेरा व्हील सीधा है, और जो भी गाड़ी को हम लोग ओवरटेक करेंगे इस लाइन से बाहर रखो। मगर ये लाइन क्या है, ये लाइन है मेरा बोनेट का कॉर्नर, बैलेंस यही है, समझ लो मैं इधर से जा रहा हूँ, मेरे को अभी बाय जाना है, मैंने इंडिकेटर दिया, मैं इधर जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ। सबसे बड़ा गलती होता है एक नया ड्राइवर से, वो है गाड़ी का बंद होना। अभी देखो मेरा गाड़ी का स्पीड लगभग 50 के आसपास है, मेरे को दो नंबर गियर देना है, तो सबसे पहले ब्रेक करना है, ठीक है। ब्रेक किया मैंने, ब्रेक किया, ठीक है, ब्रेक किया, दो नंबर गियर, फिर से स्पीड कम हुआ कम हुआ कम हुआ, स्पीड में छोड़ सकता। अगर आप लोगों को कोई भी आइडिया नहीं है गाड़ी के बारे में, यानी कि गाड़ी कैसे चलता है, अगर आप लोग नए नए गाड़ी सीख रहे हो तो ये वीडियो पूरा ध्यान से देखो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर एकदम ए से लेके जेड तक सारे सब कुछ डिटेल्स में बारीकी से समझा दूंगा। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। गाड़ी के अंदर बैठने के बाद जो स्टेप वन वो है स्टीयरिंग, स्टीयरिंग को कैसे पकड़ना है और इसको कैसे फिक्स करना है, इसको थोड़ा सा ऊपर नहीं तो नीचे इसको एडजस्ट करो आपके हिसाब से, ठीक है, ताकि जो सामने का जो व्यू है वो ठीक से नजर आए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा होता है गियर, यहाँ पे है गियर, यहाँ पे हैंड ब्रेक, अभी यहाँ पे रहता है क्लच, ब्रेक और एक्सेलेरेटर, ठीक है। ये मेरा एक्सेलेरेटर, ब्रेक, ये दोनों पेडल के लिए ये वाला पैर काम करेगा, ठीक है, और ये जो क्लच है ये वाला पैर काम करेगा, ठीक है, हो गया। अभी इसको ऐसे रखना है, ठीक है, ऐसे नीचे रखना है, ऐसे ऊपर नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। और ये हमारा क्लच हो गया, ये पैर सिर्फ क्लच के लिए इस्तेमाल होगा। अभी गियर, गियर को चेंज करने के लिए क्लच को पूरा ऐसे दबाना पड़ता है, अभी ये न्यूट्रल पे, ठीक है, अभी ऐसा करके ये एक नंबर गियर ऐसा, ठीक है, हल्का सा छोड़ेंगे फिर से न्यूट्रल हो जाएगा, बीच में न्यूट्रल, ठीक है। अभी हल्का बाय नीचे दो नंबर गियर, हल्का पुश करेंगे फिर से न्यूट्रल हो जाएगा, ऊपर तीन नंबर गियर, हल्का पुश करेंगे न्यूट्रल हो जाएगा, फिर से नीचे चार नंबर गियर, हल्का पुश करेंगे न्यूट्रल हो गया, फिर से डायने, ऊपर पांच नंबर गियर, हल्का पुश करेंगे नीचे न्यूट्रल, अभी डायने, नीचे रिवर्स गियर, ठीक है। तो अभी हल्का पुश करने पे ये न्यूट्रल पे चला जाते हैं, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक लाइन खींचा हुआ है बीच में, ठीक है, 1 2 3 4 5 रिवर्स, ठीक है। तो अभी हम लोग गाड़ी को चलाएंगे, आप लोगों को देखना है बहुत ही बारीकी से, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करो। तो अभी देखो दोस्तों, अभी मेरे को गाड़ी को स्टार्ट देना है, ठीक है, अभी गाड़ी बंद है, अभी क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा की है इसको मेरे को ऑन करना है, ठीक है, और क्लच को ऐसे फुल दबा देना है, और यहाँ पे इसको जो गियर है इसको एक नंबर गियर पे डाल देना है, और क्लच पूरा दबा हुआ रहेगा, ठीक है। अभी देखो मैं गाड़ी को स्टार्ट दे रहा हूँ, गाड़ी हो गया स्टार्ट, ठीक है, एक नंबर गियर पे है। अभी एक नंबर गियर पे देखो मैं एक्सेलेरेटर अभी नहीं दूंगा, मैं सिर्फ इसको हल्का हल्का छोड़ूंगा, गाड़ी आगे जाएगा। देखो अभी गाड़ी ऐसे करके आगे जा रहा है, मैं धीरे धीरे करके क्लच को रिलीज कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्लच को मैं जितना रिलीज करूंगा गाड़ी उतना आगे बढ़ेगा। अभी आगे जाते जाते ना मेरे को क्या करना है, हल्का सा एक्सेलरेशन देना है, हल्का एकदम टच, ठीक है। उसके बाद फिर से क्लच को फुल दबा देना है, गियर को एक से न्यूट्रल, दो नंबर गियर, अभी फिर से छोड़ते 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 एक्सेलरेशन। तो यानी कि गाड़ी का जो भी गियर चेंज करेंगे क्लच को फुल दबा के, ठीक है, क्लच को छोड़ते 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 हल्का हल्का एक्सेलरेशन देना है। अभी देखो दो नंबर गियर पे मेरा गाड़ी चल रहा है, ठीक है, मैं हल्का एक्सेलरेट कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ एक्सेलरेशन, हल्का सिर्फ प्रेस, हल्का टच कर रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो टच कर रहा हूँ, टच कर रहा हूँ, गाड़ी आगे जा रहा है। अभी जैसा कि टाइट जैसा फीलिंग होगा, आप लोगों को लगेगा हाँ गाड़ी आगे नहीं जा रहा है, ठीक है, तभी गियर को फिर से अप करना है। और याद रखना, एक नंबर गियर पे 10 का स्पीड, दो नंबर गियर 20 का स्पीड, तीन नंबर गियर 30 का स्पीड, चार नंबर गियर 40 का स्पीड, पांच नंबर गियर 50 स्पीड। अभी ये बेसिक है, इसको हम लोग कोई फॉलो नहीं करते, इसके आसपास रहते हैं, ठीक है। अभी दो नंबर गियर पे है, अब मेरा स्पीड है 20 का, ठीक है, मेरे को 20 के जब भी स्पीड ऊपर जा रहा है तब हल्का सा एक्सेलरेशन दिया, फिर से क्लच को फुल दबा दिया, न्यूट्रल, तीन नंबर गियर, अभी छोड़ते 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 देखो एक्सेलरेशन, मैं छोड़ दिया एक्सेलरेशन। अभी जो हमारा क्लच पैडल है दोस्तों, उसको आधा, जब भी हम लोग आधा से आधा के करीब छोड़ रहे हैं तभी हम लोग को एक्सेलरेशन देना है। उसको छोड़ने के बाद एक्सेलरेशन नहीं देना है, उसको ऐसा एक उठेगा एक दबेगा ऐसा, ठीक है। तो देखो अभी मेरा गाड़ी चल रहा है तीन नंबर गियर पे, मैं थोड़ा सा एक्सेलरेशन करता हूँ, जब भी 30 का स्पीड ऊपर जाएगा मेरे को इसको चार नंबर गियर करना है, यानी कि 40, ठीक है, 40 का स्पीड चार नंबर गियर। तो चलो अभी 30 का स्पीड है, देखो 30-31 जा रहा है, ठीक है, देखो जा रहा है 31 हो गया है, ठीक है, 31 क्रॉस करके 40 आ रहा है, 40 का स्पीड आ रहा है, ठीक है। मैं अभी भी इसको चार नंबर गियर दे सकता हूँ क्योंकि रास्ता खाली है सामने। तो सबसे पहले मैंने एक्सेलरेशन दिया, ठीक है, रास्ता खाली है, क्लच को फुल प्रेस, न्यूट्रल, चार नंबर गियर, ठीक है। तो देखो मैं न्यूट्रल क्यों बोला दोस्तों, न्यूट्रल पे देना नहीं है, रुकना नहीं है, हल्का सा रुक के चार पे आना है, ठीक है, तीन से चार ऐसा ऐसा आना है, ठीक है, ऐसा ऐसा आना है, ठीक है। अभी चार नंबर गियर पे चल रहा है, मेरे को इसको पाँच नंबर देना है, मगर रास्ता यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ऐसा स्लोप है ऐसा नीचे, ठीक है। तो देखो अभी चार पे चल रहा है गाड़ी, मेरे को पाँच देना है, बहुत ही ध्यान से देखो, ठीक है, एकदम आसान है दोस्तों, कुछ नहीं है, बच्चा भी कर लेगा, ठीक है। तो देखो चार नंबर के पे मेरा गाड़ी चल रहा है, ठीक है, फिर से मैंने एक्सेलरेशन दिया, ठीक है, देखो अभी चार पे चल रहा है, 40 का स्पीड नहीं हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है,
40 पे अगर नहीं भी होगा, गाड़ी रास्ता सामने क्लियर है, 4 पे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो अभी मेरे को 5 देना है, 50 के आसपास जा रहा है स्पीड, ठीक है, 50 के आसपास जा रहा है। एक्सेलरेशन दिया, फिर से क्लच को प्रेस, 5 नंबर किया, ठीक है, 5 दिया, छोड़ते 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 एक्सेलरेशन, ठीक है। देखो अभी भी 50 नहीं आया है, 50 के आसपास है, तो 5 नंबर गियर पे चल रहा है। अभी मेरे को समझ लो, मेरे को गाड़ी का जो भी गियर, इसको घटाना है। अभी हम लोग सीखे हैं गियर को अप करना, ठीक है, यानी कि छोड़ते छोड़ते एक्सेलरेशन। अभी घटाना है स्पीड को, ठीक है, स्पीड को घटाना है यानी कि गियर को घटाना है, गियर को घटाना है यानी कि स्पीड को घटाना है, ठीक है, सेम है। तो अभी मेरे को थोड़ा सा स्पीड घटाना है 5 नंबर गियर पे, मेरे को इसको देना है ना लगभग समझ लो 20 का स्पीड पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हल्का सा मेरे बाइक इंडिकेटर देता हूँ, पीछे गाड़ी आ रहा है, ठीक है, मैं ब्रेक लगा रहा हूँ, ठीक है, ब्रेक लगा दिया मैंने। देखो फिर से एक्सेलरेशन देना पड़ेगा, इधर पे एक साइकिल जा रहा है, तो देखो इधर पे मेरे को हल्का सा ब्रेक देना है, तो मैं स्पीड को मेरे को कम करना है, 20 का स्पीड आ रहा है, क्लच को फुल दबा दिया, देखो 2 नंबर गियर पे मैंने डाल दिया, 5 से डायरेक्टली 2 नंबर गियर, मगर अभी क्लच को मैंने छोड़ा नहीं, इसको गौर करो, ठीक है। अभी देखो 20 का स्पीड आया है, अभी मैं क्लच को छोड़ सकता हूँ, गाड़ी के अंदर कोई झटका नहीं देगा, यानी कि गाड़ी का स्पीड 50 पे था, ठीक है, तब 5 नंबर गियर पे चल रहा था, गाड़ी का स्पीड 20 पे आ गया, क्लच को मैंने पकड़ के रखा तभी छोड़ा जब स्पीड 20 पे आ गया, ठीक है। यानी कि स्पीड जब कम करोगे, स्पीड कम होगा तभी उसके बाद ही क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है। अचानक क्लच को छोड़ देता मैं अगर, तो इधर पे गाड़ी झटका देता, ठीक है। अभी देखो 2 नंबर पे चल रहा है, ठीक है, जैसा कि मैंने कहा था, ऐसा फिर से क्लच प्रेस, 3 नंबर गियर, छोड़ते 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 एक्सेलरेशन। अभी स्पीड इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, इधर पे बहुत बड़ा गड्ढा है, हाँ चलो जा रहा है 3 नंबर गियर पे, ठीक है। देखो मैं फिर से इसको घटाने वाला हूँ, ठीक है, अभी थोड़ा इंक्रीज़ करते हैं, 3 नंबर गियर पे, 4 नंबर गियर, ठीक है, जा रहा है गाड़ी ऐसा, देखो। और क्लच के ऊपर ऐसा क्लच राइडिंग नहीं करना है, क्लच से दूर रखना है पैर को, ठीक है, याद रखना है इसको, क्लच से दूर रखना है पैर को। जा रहा है, अभी देखो 4 नंबर गियर पे है, मैं 5 नहीं दे रहा हूँ क्योंकि सामने जाके उधर पे और भी रास्ता ख़राब है, मेरे को स्लो जाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ऐसा जा रहा हूँ धीरे धीरे, एकदम 4 नंबर गियर, कॉन्स्टेंट स्पीड। स्टीयरिंग को देखो, स्टीयरिंग को मैं कैसे घुमा रहा हूँ, स्टीयरिंग बैलेंसिंग के ऊपर बहुत सारा वीडियो है, उसको देखो। स्टीयरिंग बैलेंसिंग को लेके इस वीडियो के अंदर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मगर फिर भी देखो इसको, ठीक है। ये जो लाइन है राइट का जजमेंट, ये जो लाइन है लेफ्ट का जजमेंट, जो भी गाड़ी आएगा सामने से उसको मिडिल से बाई तरफ रखना है, उसको ओवरटेक करके जाने के लिए, ठीक है। अभी देखो मेरे को घटाना है, ठीक है, क्लच को फुल प्रेस, 3 नंबर गियर, देखो मैं छोड़ा नहीं, ठीक है, हल्का ब्रेक किया, मैं ब्रेक बाद में भी कर सकता हूँ, क्लच को पहले पकड़ लिया, ठीक है, ये भी कर सकते हैं, अभी मैं छोड़ सकता हूँ क्योंकि 3 नंबर गियर पे स्पीड है 25 के आसपास, 3 नंबर गियर पे मेरा गाड़ी चल रहा है, ठीक है, एकदम सिंपल है दोस्तों। देखो 3 नंबर गियर पे रास्ता सामने खाली है, क्लच को फुल प्रेस, 4 नंबर गियर, छोड़ते 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 एक्सेलरेशन ऐसा, ठीक है, चलो 4 नंबर गियर पे है, फिर से क्लच को प्रेस, 5 नंबर गियर, छोड़ते 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 एक्सेलरेशन, गाड़ी जा रहा है, भाग रहा है गाड़ी आगे, ठीक है। अभी देखो सामने मोड़ है, ठीक है, मेरे को स्पीड को घटाना है, मैंने ब्रेक किया, पहले ब्रेक किया हल्का हल्का ब्रेक, ठीक है, क्लच को फुल दबा दिया, 4 नंबर गियर, और भी ब्रेक किया, ठीक है, 3 नंबर गियर, ठीक है, छोड़ दिया, छोड़ते छोड़ते एक्सेलरेशन, अभी नहीं देना है एक्सेलरेशन, मैंने सिर्फ कहा, ठीक है, स्पीड घटाने के टाइम पे एक्सेलरेशन नहीं देना है, ठीक है, ऐसा जा रहा हूँ। देखो अभी मेरे को स्पीड को इंक्रीज़ करना है, 3 नंबर गियर पे है, मैंने पहले एक्सेलरेट किया, हल्का एक्सेलरेट किया मैंने, ठीक है, क्या क्लच को प्रेस, 4 नंबर गियर, छोड़ते 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 एक्सेलरेशन, गाड़ी जा रहा है, क्लच से मैंने पैर को हटा दिया, ठीक है। तो ऐसा करके गाड़ी चलता है, गियर अप डाउन, अभी समझ लो अचानक वो उधर पे सामने कुछ बिल्ली डॉगी आ गया है, मेरे को अचानक रुकना पड़ेगा, ठीक है, अचानक देखो ब्रेक किया मैंने, रुक गया ऐसे, क्या किया मैंने, सिंपल सी बात है, मैंने क्लच को छोड़ा, क्या क्लच को नहीं छोड़ा, जब भी अचानक आप लोगों को रुकना पड़ेगा, याद रखना दोस्तों, ब्रेक लगा के क्लच को पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है, छोड़ना नहीं है, अगर आप लोग छोड़ेंगे तो गाड़ी स्टॉल होगा, यानी कि गाड़ी झटका देगा बंद हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो देखो फिर से 1 नंबर गियर छोड़ रहा हूँ, जा रहा है गाड़ी आगे, ठीक है, हल्का एक्सेलरेट दिया, 2 नंबर गियर, ऐसा जा रहा है गाड़ी, तो झटका नहीं देगा, एकदम आराम से बिंदास गाड़ी चलेगा, ठीक है। और अभी हम लोग बात करेंगे दोस्तों जजमेंट को लेके, ठीक है। तो देखो जहाँ से हम लोग देखते हैं गाड़ी का मिडिल जाता है, उधर से गाड़ी का लेफ्ट व्हील जाता है, और जजमेंट करने के लिए जो भी ये शीशा है ना, इसको 2 हिस्से बंटवारा कर लो, एक ए वाला हिस्सा और एक ए वाला हिस्सा, दोनों हिस्सा हो गया, ठीक है। अभी गाड़ी का बॉडी के साथ, रास्ते का किनारे के साथ कितना जगह है, ओवर बीम देखो, ठीक है, ऐसा ओवर बीम पे देख के मेरे को पता चल जाता है गाड़ी का बॉडी लाइन जो है उसके साथ, जो मेरा रास्ता का किनारा है उसके साथ कितना डिस्टेंस है, कितना गैप है, ठीक है, बाई तरफ दाहिने तरफ दोनों साइड में। अभी हम लोगों को देखना पड़ता है, ऐसा देखना पड़ता है जहाँ पे रास्ता खाली है उधर से इसको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, ये मार्किंग कर दो, यहाँ पे 12 का पोजीशन, 3, 9, 6, ठीक है, और यहाँ पे एक समझ लो, इधर पे एक मार्किंग कर दो, क्यों दोस्तों, क्योंकि ये जो मेरा राइट का व्हील है, लेफ्ट का व्हील है, इसको समझो ऐसा, ये 12 का पोजीशन है, जब भी ये वाला मार्किंग इसके साथ मैच होगा, यानी कि मेरा व्हील सीधा है,
जब ये वाला मार्किंग इस मार्क इधर पे मार्क नहीं है, इसको कर लो, अगर ऐसा है तो मेरा व्हील ऐसा है, ठीक है, इसको देख के पता चल जाता है मेरा व्हील कैसा है, ठीक है। अभी राइट का जजमेंट, जो भी गाड़ी सामने से आ रहा है उसको ऐसा इधर से एक लाइन एंगल करके मैंने देखो लगाया, मैंने ऐसा नहीं लगाया, ऐसे लगाया, जो भी गाड़ी आ रहा है उसको इस लाइन से बाहर रखो दूर से, ठीक है, स्टीयरिंग को स्टीयर करके, और जो भी गाड़ी को हम लोग ओवरटेक करेंगे इस लाइन से बाहर रखो। मगर ये लाइन क्या है, ये लाइन है मेरा बोनेट का कॉर्नर, लेफ्ट का व्हील के सामने जाके खत्म हो रहा है, यानी कि जो भी बड़ा गाड़ी को हम लोग ओवरटेक करेंगे उसको हम लोग ऐसा देखेंगे, और हम लोग गाड़ियों को नज़दीक देखते हैं, ठीक है, यानी कि जो गाड़ी को हम लोग इधर पे देखते हैं वो गाड़ी इधर पे नहीं है, वो गाड़ी इधर पे है, जो गाड़ी इधर पे देखते हैं हम लोग वो गाड़ी इधर पे है। तो ये चीज़ माथे पे याद रखना, ठीक है। देखो देखो, डायरेक्ट 5 नंबर गियर दे दिया मैंने, एक्सेलरेट पहले से कर दिया, स्पीड था 25 पे, मगर फिर भी 5 नंबर गियर मैंने दिया, क्यों, क्योंकि रास्ता खाली है, मैं एक्सेलरेट करके गियर स्पीड को इंक्रीज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मैच हो गया गियर के साथ स्पीड, देखो अभी 50 पे चल रहा है गाड़ी, ठीक है, ऐसा। तो ऐसा करके दोस्तों आप लोगों को क्लच और ब्रेक को इस्तेमाल करना है, जजमेंट को करना है, ठीक है। देखो अभी मेरे को हल्का टर्न लेना है, स्टीयरिंग को देखो मैं कैसा इसको घुमा रहा हूँ, अभी याद रखना जब भी हम लोग स्टीयरिंग को घुमाते हैं ठीक है, डायने से बाएं नहीं तो बाएं से डायने, इसको बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। बैलेंस कैसे करना पड़ता है दोस्तों, ऐसा करके, ऐसा देखो मैं इतना जा रहा हूँ, इतना जाते जाते मेरे को फिर से ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है, ये बैलेंस है, ठीक है, ये भी बैलेंस नहीं है, मैं दिखाता हूँ एग्जैक्टली बैलेंस क्या है। देखो बैलेंस यही है, समझ लो मैं इधर से जा रहा हूँ, मेरे को अभी बाएं जाना है, मैंने इंडिकेटर दिया, मैं इधर जा रहा हूँ, जब भी इधर आ गया मैं ऐसा करके ऐसा घुमा के ऐसा स्ट्रेट कर दिया, ये बैलेंस हुआ। और मेरे को कब पता चलेगा दोस्तों ऐसा कितना जाना है, जब तक बहुत ही सिंपल जो गाड़ी का मिडिल है और रास्ते का जो किनारा है, आंखों के अंदाज से इतना गैप दिखेगा, आंखों के अंदाज में बोल रहा हूँ, ठीक है, आंखों के अंदाज से इतना गैप दिखेगा तब इसको इधर घुमा देना है, ठीक है। ये जो मिडिल के साथ रास्ते का किनारा टच नहीं करेगा, टच करने से पहले इसको घुमाना है, नहीं तो बोनेट का कॉर्नर लग जाएगा, जो भी उधर पे कुछ भी गाड़ी नहीं तो कोई बाउंड्री कुछ भी है, ठीक है, ये ऐसा इसको याद रखना दोस्तों, ठीक है। देखो अभी 4 नंबर गियर पे मेरा गाड़ी चल रहा है, एक बंदा बोल रहा था गाड़ी स्टॉल बहुत ज़्यादा होता है, तो देखो जो मैंने कहा गियर और स्पीड ये दोनों का मैचिंग होना चाहिए, यानी कि मैचिंग यानी कि रेव मैचिंग छोड़ दो, किसी के मन के अंदर यानी कि सोचेगा क्या है रेव मैचिंग, उसको छोड़ो, यानी कि स्पीड और गियर ये दोनों याद रखना सेम रहेगा। सबसे बड़ा गलती होता है एक नया ड्राइवर से, वो है गाड़ी का बंद होना, ठीक है, और ये ज़्यादा होता है जब भी हम लोग गियर को कम करते हैं। तो गियर को कम, देखो अभी मेरा गाड़ी चल रहा है 4 नंबर गियर पे, मेरे को अभी एकदम ब्रेक करना है, मैंने ब्रेक कर दिया, इंडिकेटर दिया, ठीक है, देखो 2 नंबर गियर किया, अभी देखो मैंने छोड़ा क्या, क्लच को मैंने छोड़ा नहीं छोड़ा, कब छोड़ना है, जब 20 का स्पीड आ गया, अभी मैं धीरे धीरे छोड़ना है, एक्सेलरेशन नहीं देना है, क्योंकि मेरे को तो स्पीड को घटाना है, तो एक्सेलरेशन क्यों, ठीक है, तो ऐसा करके स्पीड को घटाना है दोस्तों, ठीक है, इसको याद रखना। अभी देखो इधर को मेरे को गाड़ी को घुमाना है, इधर पे देखो, देखो घुमाने के टाइम पे देखो क्या करता हूँ मैं, इंडिकेटर दिया मैंने, ठीक है, 3 नंबर गियर पे है, इसको मेरे को ब्रेक किया, 2 नंबर गियर किया, ठीक है, इंडिकेटर दिया मैंने, मेरे को डायने तरफ जाना है, ठीक है, देखो ऐसा, देखो मैंने क्लच को हल्का हल्का दबा रहा हूँ क्योंकि रास्ता ख़राब है, ठीक है, हल्का मैं एक्सेलरेट किया, ठीक है, 2 नंबर गियर पे है, जब भी गाड़ी ऊपर चढ़ गया, ठीक है, गाड़ी ऊपर चढ़ गया, अभी मैं फिर से क्लच को पकड़ के 3 नंबर गियर, अभी एक्सेलरेट, ठीक है, फिर से क्लच को प्रेस 4 नंबर गियर, एक्सेलरेट, ठीक है, अभी गाड़ी भाग रहा है आगे, ठीक है, तो ऐसा करके चलाना है, ठीक है, फिर से क्लच को प्रेस 5 नंबर गियर, एक्सेलरेट, ठीक है, छोड़ते छोड़ते एक्सेलरेट, क्लच को छोड़ते छोड़ते एक्सेलरेट करना है। तो ऐसे दोस्तों गाड़ी चलता है, ठीक है, तो मैनुअल गाड़ी चलाना एक आर्ट होता है, ठीक है। तो मैं आप लोग देख सकते हैं उधर पे बहुत गड्ढा था, स्लोप था, गाड़ी के अंदर कुछ महसूस हुआ, कुछ नहीं हुआ, एकदम स्मूथली गाड़ी आया, ऐसा नीचे उतरा, फिर से ऊपर चढ़ गया, ठीक है। तो ऐसा करके गियर को चेंज करना है, ऐसा गियर चेंजिंग का वीडियो आप लोगों को शायद ही मिलेगा यूट्यूब पे, ऐसा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अभी देखो मेरा गाड़ी का स्पीड लगभग 50 के आसपास है, मेरे को 2 नंबर गियर देना है, तो सबसे पहले ब्रेक करना है, ठीक है, ब्रेक किया मैंने, ब्रेक किया, ठीक है, ब्रेक किया, 2 नंबर गियर, फिर से स्पीड कम हुआ स्पीड में छोड़ सकता हूँ क्योंकि 20 के आसपास स्पीड आ गया है, ठीक है। तो ऐसा करके आप लोगों को गियर को चेंज करना है, एकदम सिंपल है दोस्तों। तो ऐसा करके आप लोगों को गियर को चेंज करना है। तो आशा करता हूँ वीडियो के अंदर आप लोगों को कुछ नॉलेज मिला होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल का आप लोगों को बहुत सारा एक तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों एक लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो पे, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ गाड़ी चलाने का कोई भी जो तकनीक है आप लोगों को 50% आ गया होगा, अब तो प्रैक्टिकल तो करना ही है दोस्तों। तो चलो यार मिलते हैं अगले वीडियो पे, सेफ ड्राइव एंड सेफ लाइफ दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।